हेलो बच्चों, मैं हिमांशु पोलवाल स्वागत करता हूं आपका पोलवाल कोचिंग क्लासेस में। जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर मैं आपके एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड लेके आया था, आज मैं क्वेश्चन नंबर फोर लेके आया हूं। तो क्वेश्चन नंबर फोर स्टार्ट करने से पहले पढ़ते हैं, देखते हैं जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। जितनी भी इक्वेशन सही हुई है उनके बारे में ये बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर वो कंसिस्टेंट है तो क्या करना है, ग्राफिकली उनको सॉल्व करना है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर फोर का, देखते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव। देन सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अगर ये कंसिस्टेंट होगी तो क्या करेंगे, इसको ग्राफिकली बनाना होगा। और मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर भी कि कंसिस्टेंट क्या होती है, कि कंसिस्टेंट वो टर्म्स होती है जिसके कम से कम यानी कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होता है, और इनकंसिस्टेंट क्या होती है, जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। चलिए चेक करते हैं, इसके साथ कुछ नहीं तो वन, इसके साथ कुछ नहीं तो वन, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। ए वन बाई ए टू, बी वन बाई बी टू, सी वन बाई सी टू। चलिए इसको काटते हैं, फाइव बाई टू, फाइव बाई टेन का क्या हुआ, वन बाई टू। तो वन अपॉन टू इक्वल टू वन अपॉन टू इक्वल टू वन अपॉन टू, तीनों इक्वल हो गए। तीनों इक्वल कब होते हैं, जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। कब होते हैं, जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, कंसिस्टेंट टर्म होगी और इंसिडेंट लाइन होगी। तीनों इक्वल हम लिख सकते थे ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू। तीनों इक्वल होते हैं, कब होते हैं, जब इनके मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो इट है मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन है इसके, तो ये क्या है, सो इट इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट है। तो इसको ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। चलिए ग्राफिकली सॉल्व करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। पहली इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि ये फर्स्ट है और ये सेकंड। तो मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या दिया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव। और मुझे ग्राफिकली बनाने के लिए मिनिमम कितने सॉल्यूशन चाहिए, मिनिमम टू सॉल्यूशन चाहिए। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू मैंने जीरो रखी, मैंने लिखा यहां पे पुट एक्स इक्वल टू जीरो। जब मैंने एक्स की वैल्यू जीरो रखी तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, जीरो प्लस वाई इक्वल टू फाइव। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, फाइव। सेकेंड वैल्यू पुट करता हूं, पुट y इज इक्वल टू जीरो। एक बार मैंने x को जीरो रखा और एक बार मैंने y को जीरो रखा, y की वैल्यू पुट किया तो क्या हुआ, x प्लस जीरो इक्वल टू फाइव। तो x इक्वल टू फाइव, x की वैल्यू कितनी आ गई, फाइव। चलिए अब लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, सब में से 2 2 कॉमन लेता हूं तो यहां क्या बनेगा, x प्लस y ये 10, इसको काटा क्या आ गया, 5। सेम इक्वेशन बन गई आपकी, x प्लस y इक्वल टू 5। सेम इक्वेशन बन गई ये वाली, सेम वैल्यू भी आपकी यही आ सकती है। चलिए वैल्यू निकालते हैं इसकी, एक्स वाई मैंने किया पुट, एक्स इक्वल टू जीरो तो क्या होगा, जीरो प्लस वाई इक्वल टू फाइव। तो वाई इक्वल टू फाइव, वाई फाइव आ गया, एक्स जीरो जब रखा। सेकेंड वैल्यू पुट किया अपने पुट, वाई इक्वल टू जीरो तो एक्स प्लस जीरो इक्वल टू फाइव। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, फाइव। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, फाइव। ये वैल्यू आ गई, आप बनाते हैं इसका ग्राफ। चलिए ग्राफ बनाते हैं, यह आया आपका जीरो, वैल्यू पुट करता हूं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। इसकी वैल्यू वन टू थ्री फोर फाइव, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर। चलिए आप करते हैं वैल्यू पुट, वैल्यू पुट करते हैं।
सबसे पहले लेते हैं एक्स जीरो वाई फाइव, एक्स जीरो वाई फाइव, एक्स फाइव वाई जीरो, इसको ज्वाइंट कर देते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये जो आपकी है इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू हो गई। मैं लिख देता हूं एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव। सेकंड की एक्स जीरो वाई फाइव, एक्स जीरो वाई फाइव, सेम वही पॉइंट, एक्स वाई जीरो एक्स फाइव, वाई जीरो एक्स फाइव, सेम वही पॉइंट, सेम लाइन आएगी इसी के ऊपर। जब सेम लाइन आती है तो आपकी क्या होती है, सेम लाइन, सेम लाइन किस लाइन्स में आती है, आपके तीन तरीके बताए थे मैंने, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, कोइंसिडेंट लाइन्स और पैरेलल लाइन्स। जब एक दूसरे पर लाइन चढ़ती है कौन सी होती है, कोइंसिडेंट, कौन सी लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है। ये आपका ग्राफ बन गया। बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट। सेकंड पार्ट बोलता है एक्स माइनस वाई इक्वल टू एट, एक्स माइनस वाई इक्वल टू एट, और दूसरी क्वेश्चन है थ्री एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्सटीन। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले ये क्या हो गया, वन अपॉन थ्री इक्वल टू माइनस का वन अपॉन माइनस थ्री इक्वल टू एट अपॉन सिक्सटीन, एट अपॉन सिक्सटीन। चलिए माइनस से माइनस काट देते हैं, काट दिया। अब क्या हुआ, वन अपॉन थ्री इक्वल टू वन अपॉन थ्री नॉट इक्वल टू एट अपॉन सिक्सटीन, क्योंकि ये क्या होगा आठ दूनी सोलह, तो मैं इसको वन बाई टू भी लिख सकता हूं। वन अपॉन थ्री, वन अपॉन थ्री इक्वल है बट वन अपॉन टू लास्ट में इक्वल है नहीं है। इट मीन्स ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू। जब ये कंडीशन आती है तो क्या होते हैं, इट हैज नो सॉल्यूशन, क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता। जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता तो क्या होता है, ये सो इट इज इनकंसिस्टेंट, क्या होता है, ये इनकंसिस्टेंट टर्म होती है, ये होती है इनकंसिस्टेंट टर्म्स। जो इनकंसिस्टेंट टर्म अगर आप आ गई तो इसका हम क्या करेंगे, ग्राफ नहीं बनाएंगे, इसका ग्राफ नहीं बनेगा। बढ़ते थर्ड पार्ट की तरफ, बोलता है टू एक्स प्लस वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं, टू एक्स प्लस वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। अगला क्वेश्चन, अगली जो इसका दिया हुआ है, फोर एक्स माइनस टू वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो। देखिए टू एक्स प्लस वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, फोर एक्स माइनस टू वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो, ये आपका दिया हुआ है। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं इसके, टू अपॉन फोर, टू अपॉन फोर, वन अपॉन माइनस टू माइनस सिक्स अपॉन माइनस फोर, माइनस सिक्स अपॉन माइनस फोर। चलिए काटते हैं इसको, वन अपॉन टू आ गया, माइनस से माइनस कट गया, थ्री अपॉन टू आ गया। चलिए आगे देखते हैं, वन अपॉन टू नॉट इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू नॉट इक्वल टू थ्री बाई टू, कोई भी किसी के इक्वल नहीं है, तो इसकी कंडीशन क्या है, ए वन बाई ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू। जब ये कंडीशन आती है तो क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती हैं और यूनिक सॉल्यूशन होता है, तो हम लिख सकते हैं ना, इट हैज वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन। वन लिखो या यूनिक लिखो, दोनों के बाद बराबर है, वन सॉल्यूशन, सो इट इज कंसिस्टेंट। मैंने बताया था कंसिस्टेंट टर्म्स क्या होती है, कंसिस्टेंट टर्म होते हैं इट हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, और यहां पे आपका वन सॉल्यूशन आ रहा है कि कम से कम एक सॉल्यूशन आना चाहिए, तो आपका एक सॉल्यूशन आ रहा है। अब पढ़ते हैं, जब ये कंसिस्टेंट हो गया तो इसको क्या करना पड़ेगा, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, टू एक्स प्लस वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, वाई की वैल्यू है
वैल्यू पुट करते हैं इसी में, तो चलो यहां से निकाल लेते हैं वाई इक्वल टू क्या होगा, वहां चला जाएगा ये सिक्स जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये जाएगा तो माइनस का टू एक्स हो जाएगा। यहां तक आपको क्लियर? मैंने ऐसे इसलिए बना लिया क्योंकि मैं सिर्फ एक्स वैल्यू पुट करूंगा तो वाई वैल्यू अपने आप निकल जाएगी, तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब किसी भी इक्वेशन को ग्राफ पर पुट करने के लिए मुझे एटलीस्ट उससे कितने सॉल्यूशन चाहिए होते हैं, टू सॉल्यूशन चाहिए होते हैं, एक्स और वाई। चलिए देखते हैं, मैंने किया पुट एक्स इक्वल टू जीरो, सबसे पहले मैंने एक्स वैल्यू रखी जीरो, तो क्या आया वाई इक्वल टू सिक्स माइनस टू मल्टीप्लाई जीरो, तो सिक्स माइनस टू को मल्टीप्लाई किया जीरो से क्या आ गया जीरो, तो छह में से जीरो का कितना आ गया छह, यानी सिक्स। पहला सॉल्यूशन निकल गया आपका। दूसरी वैल्यू पुट करते हैं, चलिए पुट एक्स इक्वल टू कितना ले लो थ्री ले लेते हैं, चलिए थ्री ले लिया, तो क्या हो गया वाई इक्वल टू सिक्स माइनस टू मल्टीप्लाई थ्री, इट मीन सिक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। जब एक्स थ्री लिया तो वाई कितना आ गया जीरो आ गया, एक्स थ्री लिया तो वाई कितना आ गया जीरो। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब आपके सेकेंड इक्वेशन लेते हैं, चलिए सेकेंड इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं अब, और सेकेंड इक्वेशन लेते हैं। देखिए सेकेंड इक्वेशन कौन सी है, सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस का 4 इक्वल टू जीरो। लिख देता हूं यहां पे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो 4x इज इक्वल टू माइनस का 2y है इक्वल टू इधर जाएगा प्लस का 2y, माइनस 4 है ये भी प्लस 4 बन जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का 4। नहीं तो मैं यहां से समय से 2 2 कॉमन ले लेता, उसके बाद वैल्यू पुट करता, बात मेरे लिए बराबर थी। आगे थे सॉल्व। अब x इक्वल टू 2y प्लस 4 अपॉन 4 मल्टीप्लाई में है इस इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। चलिए इसके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। एक्स वाई चलिए बढ़ते हैं इसकी तरफ। सबसे पहले मैंने क्या किया वाई की वैल्यू रखी जीरो, तो मैंने किया पुट वाई इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू टू मल्टीप्लाई जीरो प्लस फोर अपॉन फोर, कितना आ गया टू को जीरो से मल्टीप्लाई किया जीरो, जीरो प्लस फोर अपॉन फोर, जीरो में चार ऐड किया कितना आया फोर, फोर अपॉन फोर कितना होता है वन, तो एक्स वैल्यू कितनी आ गई वन आ गई। नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं, चलिए मैंने लिया पुट वाई इक्वल टू टू, तो एक्स इक्वल टू टू मल्टीप्लाई टू प्लस का फोर अपॉन फोर, तो टू टू जब फोर प्लस फोर अपॉन फोर, फोर फोर कितना था एट, एट अपॉन फोर कितना आया टू, तो जब आपने वाई की वैल्यू ली टू तो एक्स कितना आ गया टू आ गया। चलिए अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहां पर रफ कर देता हूं, फिर ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट कर देता हूं। चलिए इतने में मेरा आ जाएगा ये, देखिए एक्स की वैल्यू कहां तक जा रही है मेरी, एक्स की वैल्यू एक्स में जा रही है थ्री तक, और वाई की वैल्यू कितनी जा रही है वाई की वैल्यू जा रही है सिक्स तक। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इस साइड भी लिख लेते हैं माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, यहां भी माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, चलिए आपने लिख लिया। आप सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, एक्स वन वाई जीरो, जीरो कहां पर यहां पर, और एक्स वन कहां है यहां, तो एक्स वन वाई जीरो का फर्स्ट पॉइंट, सेकंड एक्स टू वाई टू, एक्स टू वाई टू ये आया आपका। चलिए लाइन को ऐड कर देते हैं, ये लाइन ऐड हो गई। देखिए ग्राफ में बनाएंगे तो आपका क्या बनेगा बहुत क्लियर बनेगा, यहां थोड़ी सी लाइन टेढ़ी मेढ़ी होती है, और ये किसकी बनी इक्वेशन, ये बनी है 4x माइनस 2y माइनस 4 की, किसकी बनी है 4x माइनस 2y माइनस 4, ये बनी है 4x माइनस 2y माइनस 4। आप लेते हैं ये वाली टर्म्स, इसकी इक्वेशन लेते हैं x0 y6, एक्स जीरो वाई
सिक्स एक्स थ्री वाई जीरो, एक्स थ्री वाई जीरो। चलिए आप इसको मिला देते हैं, ये मिल गया। ये ग्राफ, ये इक्वेशन किसकी है? ये है 2x प्लस वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। अब इसके कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, अगर कोऑर्डिनेट लिखना चाहे, यहां पर स्पेस नहीं, चलिए मैं लिखता हूं थ्री जीरो, ये है जीरो सिक्स, ये था एक्स वन वाई जीरो, और ये क्या था टू और टू। अब देखिए इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। मैंने आपको यही बताया था कि जब ये वन सॉल्यूशन होता है एटलीस्ट, या फिर यूनिक सॉल्यूशन होता है, तो क्या होती है इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। अब बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, थर्ड पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। फोर्थ पार्ट देखते हैं अब, चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं अब, पार्ट फोर। 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू जीरो। सेकेंड इक्वेशन 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू जीरो, ये दिया हुआ आपका। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसे, वैल्यू पुट करते हैं a1 y a2 इक्वल टू b1 y b2 इक्वल टू c1 y c2। माइनस से माइनस काट दिया, यहां भी आपने माइनस से माइनस काट दिया। 2 1 2 2 2 4, 2 1 2 2 2 4, ये नहीं कट रहा, तो ये क्या आ गया 1/2 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 2/5। जब दो इक्वल होते हैं, यानी कि a1 by a2 इक्वल होता है b1 by b2 के और नॉट इक्वल होता है c1 by c2 के, तो कंडीशन क्या होती है, वो लाइन जाती है पैरेलल और सोल्यूशन कितने निकलते हैं, नो सॉल्यूशन निकलता है। और जब नो सॉल्यूशन निकलता है तो क्या होता है, इट इज इनकंसिस्टेंट टर्म्स, सो इट इज इनकंसिस्टेंट टर्म्स। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन फोर समाप्त होता है। क्वेश्चन फोर के चारों पार्ट आपके फिनिश हो गए हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ आए होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर अच्छे ना लगे हो तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे आपकी इस वीडियो में ये प्रॉब्लम आ रही है, या मुझे आपका ये समझाया हुआ समझ नहीं आ रहा, मैं उस पर वर्क करूंगा और अच्छे से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।